भारत को सबक सिखा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले दो भारतीय तैयारों को मार गिराया, एक पायलट को पकड़ लिया। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पर नहीं करना चाहते। जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं। भारत का मजमूम मंसूबा गारत। पाकिस्तान ने सरहद पार करने वाले दो भारतीय तैयारे मार गिराए। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय एयरफोर्स के तैयारों ने एक बार फिर LOC के खिलाफ वर्जी की, मगर शाहीनों ने बच निकलने का मौका ना दिया। इंडियन एयरफोर्स के दो जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के जहाज के गिरने की इत्तला है। DGISPR का कहना है कि गिरफ्तार भारतीय पायलट के साथ मुहर्रब और पेशावराना सलूक किया जा रहा है। तर्जुमान ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा तबाह करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। मेजर जनरल आसिफ कपूर का कहना है कि पाक फजाइया ने कार्रवाई में F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, भारतीय पायलट अभिनंदन के पकड़े जाने की एक और फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। भारतीय विंग कमांडर को पाक फौज के जवानों ने बुध की सुबह पकड़ा था। भारतीय पायलट अभिनंदन के पकड़े जाने की एक और फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। भारतीय विंग कमांडर को पाक फौज के जवानों ने बुध की सुबह पकड़ा था। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान की तहवील में भारतीय पायलट ने खुद एतराफ किया कि पाकिस्तान आर्मी के सलूक से मुतासिर हूँ, भारत जाकर भी अपना बयान नहीं बदलूंगा। भारत के जंगी जुनून को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब कानून के दायरे में रह कर दिया। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक भारतीय पायलट को सहूलियात दी और हुजूम से बचाकर महफूज मकाम पर रखा। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियत का एतराफ दुश्मन मुल्क के पायलट ने खुद किया। And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers. And thereafter, the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as. And I am very impressed. पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन पर अमल करके भारत को सिफारती सतह पर भी शर्मिंदा कर दिया। जिनेवा कन्वेंशन के तहत फौजी अफसरों और सिपाहियों से, खा उनका ताल्लुक किसी भी कौम और किसी भी नस्ल से हो, जख्मी हो या बीमार, हर सूरत में यकसा और बेहतर सलूक किया जाता है। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है अभिनंदन के बेटे का नाम ए ताविश है। भारतीय पायलट अभिनंदन चेन्नई का रिहायशी है। भारतीय पायलट अभिनंदन की बीवी और बेटे के साथ तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय पायलट की बीवी तन्वी मरवाहा रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। अभिनंदन के बेटे का नाम एताविश है और भारतीय पायलट अभिनंदन चेन्नई का रिहायशी है। ये कोई एकदम करेगा, इसी बारे में मजीद जानते अपने नुमाइंदे अनस मलिक से। अनस, क्या सिचुएशन सामने आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, भारतीय पायलट जिनको पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट किया आज सुबह, उनको क्योंकि वो वर्दी में थे तो उनको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत जंगी कैदी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भारत को ये बात मानना होगी कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल वायलेशन जो है वो भारत ने की है। ये टेरिटोरियल वायलेशन UN चार्टर, अफगान मुत्तहदा का चार्टर है, उसकी सेक्शन 2 की सब सेक्शन
4 के तहत की गई है, जिसमें किसी मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसको चैलेंज किया जाता है और उसको वायलेट किया जाता है एक दूसरे यूएन के अकवाम मुत्तहदा के मुल्क की जानिब से। भारत को पहले ये बात मानना होगी, जिसके बाद पाकिस्तान को उसने बाकायदे तौर पर खत और खिताबत के जरिए इस बात को एडमिट करना होगा कि पाकिस्तान के पास उसका एक पायलट है, उस पायलट की या उस शख्स की प्रोफाइल देनी होगी और ये सब देने के बाद, ये दोनों एक्सप्रेस के बाद ही जो भारतीय पायलट है उसको जंगी कैदी जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी कैदी या प्रिजनर ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। साथ साथ इसी के बाद ही फिर उसके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन का प्रिजनर ऑफ वॉर का जो आर्टिकल है वो लागू होगा, जिसके तहत उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि आपका अनस मलिक, आपने हमें अपडेट किया, तश्वीश का इजहार किया है। कमेटी का कहना है कि दोनों मुल्क कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें, दोनों मुल्कों की मजीद फौजी कार्रवाई से आलमी बरादरी को भी खतरात है। भारत होश के ना खुलने, पाक फौज ने बता दिया आप यहाँ कार्रवाई करेंगे तो हम भी वहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं, जंग शुरू हुई तो आपके काबू में रहेगी ना हमारे, वजीर आजम इमरान खान ने मोदी सरकार पर वादे कर दिया। आज हमने एक्शन लिया, हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअलिटीज ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ इसका ये मकसद था। कौम से खिताब में एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार। वजीर आजम का कहना है कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने 70,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। जहां बहुत अफराद के अहले खाना का दुख समझते हैं, इसीलिए भारत को पुलवामा वाकये की तहकीकात में तआवुन की पेशकश की थी। जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन जंग मुसलत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज ने भारत को वाजे पैगाम दे दिया। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम तर सलाहियत रखने के बावजूद अमन का पैगाम देता है। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो खत्म कहाँ होगी। जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। वॉर इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ पॉलिसी व्हिच इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड। जंग जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, खत्म कहां होती है ये किसी को नहीं पता। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाक फौज ने जो जवाब दिया है वो जवाब नहीं बल्कि अपने दिफा की सलाहियत है। अब ये भारत पर है कि वो किस रास्ते को इख्तियार करता है। अगर जारहियत की जाती है तो हम जवाब देंगे। हमारे पास कैपेबिलिटी विल रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। डीजीएसपीआर ने मजीद कहा कि भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी और जारहियत बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना था कि कार्रवाई का मकसद अपने तहफ्फुज़ के हक और हासिल सलाहियतों का मुजाहरा करना था। पाकिस्तान हालात मजीद बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर किया गया तो वो जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, पाक फजाई और पाक बहरिया के सरबराहान की शिरकत। इजलास में एहसास इदारों के सरबराहान और सिक्योरिटी हुकाम समेत खारजा, दिफा, खजाना और दिफाई पैदावार के वज़रा भी शरीक हुए। इजलास में भारतीय दरअंदाजी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अस्करी क्यादत ने पाक फौज की पेशावराना तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी। वजीर आजम इमरान खान ने पाक फजाई की बर्वक कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि कौम को पाक फौज की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है, हमारे किसी भी के खिलाफ जारहाना अजायम नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं।
کرنے پر غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے. اجلاس میں 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی پیپرا رول سے استثناء کی درخواست پر بھی غور کیا جائے گا اور دیگر نکات پر بھی بات چیت ہوگی. فواد چودھری کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں، خطے میں امن بہت ضروری ہے. سے نو ٹو وار بھارت میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے. کسی کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے خطے کا امن خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. صوفیاء کرام کا کردار تمام معاشروں کے لیے قابل تقلید ہے. چودھری نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 70,000 سے زائد جانیں قربان کی ہیں. ملک کے لیے قربان ہونے والی جانوں پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہماری معاشرتی اقدار مضبوط ہے. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سیاست مذہبی انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہے. جنگ مسئلے کا حل نہیں، خطے میں امن بہت ضروری ہے. انڈیا میں جہاں چاہیں اسٹرائک کر سکتے. یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے انڈین ایئر فورس کے لیے بھی اور ان کے تمام جو لوگ ڈیسیزن میکنگ باڈی میں بیٹھے ان کے لیے ایک پیغام ہے. بٹ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ صرف بتانے کی کوشش ہے کہ ہم پیس لوونگ ملک ہیں. جو آپریشن ہے یہ بالکل پری پلان، جس کو ٹیکسٹ بک آپریشن کے حساب سے کیا گیا ہے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم جو اس طرح جنگ سے یا جو جنگ جیسی سچویشن ہو گئے لوگ کیپچر ہوتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اس پہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئی وڈ اسپیسیفکلی سے ان کی فیملیز کو وہاں پہ انڈیا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھمنڈ خاک میں ملایا تو بھارت میں بھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا سے نو ٹو وار، اور اب ٹرینڈ ہے برنگ بیک ابھینندن. بھارتی میڈیا شاید اب ہوش میں آ جائے. بھارتی پائلٹ پاکستان میں چائے کی دعوت پر نہیں آیا، پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاک فوج نے دھرا ہے. خطے میں جنگ کا ماحول پیدا کر کے بھارت نے جہاں بدنامی سمیٹی، وہیں کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے باعث مقبوضہ کشمیر میں بھی عوام کا پارا ہائی کر دیا. ایسے ہی مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب بھارتی ہیلی کاپٹر مقبوضہ وادی میں ریسکیو آپریشن کے لیے اتارا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے اس پر پتھراؤ کر دیا، جس پر پائلٹ کو ہنگامی طور پر آپریشن چھوڑ کر بھاگنا پڑا. دوسری جانب بھارت کے خلاف کامیاب کارروائی کے بعد پاکستان میں فوج کا پرتفاق استقبال کیا گیا. پاک فوج کے جوانوں پر گل پاشی کی گئی اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. ایک بریک، لیکن اس سے پہلے نیوز